नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। कांग्रेस के नेताओं ने अमर्यादित भाषा का किया प्रयोग, क्षेत्र की भाषा में जिसको बताया जाता है अश्लील किया शब्दों का प्रयोग। कांग्रेस के नेताओं ने चुनावी सभा में वह इशारे भी किए जो अश्लील माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने की कड़ी निंदा। जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के शब्दकोश में अब कोई शब्द नहीं, इसलिए कर रहे हैं ऐसी भाषा का प्रयोग की निंदा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। कांग्रेस के नेताओं ने उन शब्दों का प्रयोग कर दिया, उस भाषा का प्रयोग कर दिया जो क्षेत्र की भाषा में अमर्यादित बताई जाते हैं। उन इशारों को भी किया जो अमर्यादित हैं और जिसको लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले जवेरा विधानसभा के तेंदुखेड़ा में आयोजित एक चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने जो कुछ भी कहा वह इस समय चर्चाओं में बना हुआ है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने उन शब्दों का प्रयोग किया जो क्षेत्र की भाषा में अमर्यादित बताया जाता है, वह इशारे भी कर गए जो अमर्यादित बताए जाते हैं। दरअसल दमोह संसदीय क्षेत्र क्रमांक 7 के उम्मीदवार कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता अरुण यादव और साथ में उनके विवेक तनखा आए हुए थे। क्षेत्र के भी नेता उस समय उपस्थित थे। मंच से अरुण यादव ने जो कुछ भी कहा, भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए वह क्षेत्र की भाषा में एकदम अमर्यादित बताया जाता है, जिसको लेकर अब चर्चा भी बनी हुई है और वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो कुछ कहा, जो इशारा किया, वह तो एकदम ही बिल्कुल मर्यादा को लांग गए और क्षेत्र में उस वीडियो को भी वायरल होने के बाद चर्चाओं में बना हुआ देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी दमोह जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी से हमने चर्चा की इस संबंध में, तो प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के शब्दकोश में अब तो वह शब्द नहीं बचे हैं, वह घबरा गए हैं, घबराहट दिखलाई दे रही है, अमर्यादित टिप्पणियों का प्रयोग करना इस बात का सूचक है, हार की बौखलाहट दिखलाई दे रही है, उन्होंने कहा है। सीधे सीधे कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा भारतीय जनता पार्टी अब विजय की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस की एक सभा के दौरान में कुछ पदाधिकारियों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो हमारे आदत थे क्या? देखिए, कांग्रेस के पास कोई विषय बचा नहीं है। कांग्रेस हार चुकी है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही हैं, इसलिए उनके कांग्रेस के जो नेता हैं वो बौखला गए हैं और उनके पास कोई शब्दकोश में कोई शब्द नहीं बचे हुए, इसलिए वो गंदे शब्दों से और गंदे इशारों से जो पब्लिक को बरगलाने का काम करते हैं। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक जान चुकी है कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। ना आपने इस देश में कोई योजनाएं चलाई हैं, ना इस मध्य प्रदेश में कोई योजनाएं चलाई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो पूर्ण होने वाला है। तो चाहे वो अरुण यादव हों, चाहे वो जीतू पटवारी हों, इस प्रकार के ये नेता घबराए हुए हैं और उनकी घबराहट और बौखलाहट सभाओं में स्पष्ट प्रदर्शित हो रही है। कांग्रेस की चुनावी सभा में दमोह जिले के दिग्गज कांग्रेस नेता भी यहां पर उपस्थित थे, जो तालियां बजा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे उन नेताओं के द्वारा दिए गए भाषण के दौरान, जिसमें वह टिप्पणी की जा रही थी, उस भाषा का प्रयोग किया जा रहा था जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है कि क्या
बताया गया है नेताओं को ऐसा, या उन्होंने ऐसा किया है? अगर किया है तो भी गलत है, और अगर जानबूझ के करना और अनजाने में करना, दोनों ही स्थिति में ये बात सही नहीं बताई जाती है, जिसको लेकर अभी चर्चाएं बनी हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आगे बढ़ती है, शिकायत करती है, या फिर ऐसा ही सब कुछ चलता रहेगा।